अगर कुछ इस विद्यालय में अच्छा है तो हमको दिखाइए, हम और लोगों को दिखाएं और लोग आपको देखें। है कुछ क्या बताइए, क्या दिखाएं बताओ जो आपके पास अच्छा हो। अच्छा 1800 ग्रेड पे से लेके 5400 ग्रेड पे तक कोई भी आता है मुंह उठा के और देखता है। आप हाथ में लेकर देखो, पढ़ सकते हैं। 5 मिनट मैम, 1 मिनट आप लेट होंगी आप सस्पेंड हो जाएंगी जिस दिन आपका अधिकारी आएगा। और 5 मिनट तक अगर इंटरवल में लेट होता है तो 5 मिनट बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अगर कोई गलत काम हो रहा है, अगर हम आपको पहले बता के जाएंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। आपको परमिशन दिखाई ना, हमको बात ही नहीं करनी। आपको परमिशन दिखाई ना, हमको बात ही नहीं करनी। पापा ने कपड़ा खरीदा कि नहीं? ड्रेस आप खरीदा है, पहन के क्यों नहीं आते हो? मतलब जैसे आप लोग विद्यालय में जाते हैं ये कहाँ से अथॉरिटी मिलती है आप लोगों को? सक्षम हो? सक्षम कहाँ, बाहर गए? इस क्लास में पढ़ते हो? आप फोन पर बात कर रही थी, बच्चों के पढ़ाने का समय हो गया। सर बड़ी गंदगी है सर, आते नहीं है क्या सफाई कर्मी यहाँ? नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में, ये शिक्षा क्षेत्र पड़ता है जयसिंहपुर, और ये विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय गौहनिया जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर। और इस विद्यालय में मैं अभी आया हूँ और यह देखने के लिए कि विद्यालय में कौन से ऐसे संसाधन नहीं हैं जो होने बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनकी वजह से शिक्षण कार्य बाधित हो सकता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फुटेज और वीडियो मेरे पास है। वो बच्चे इस विद्यालय से बाहर जा रहे थे, हालांकि मैं बाहर देखा उस पहले उस सवाल ये उठता है कि क्या शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है। पहले शौचालय देखेंगे, इसके बाद फिर आगे विद्यालय के उन संसाधनों को देखेंगे जो संसाधन यहाँ होने बेहद महत्वपूर्ण है। सर आप मेरे साथ आ जाइए, शौचालय देखना चाहते हैं, चूँकि 3 बच्चे बाहर गए हैं। मामला बहुत गंभीर है इस वजह से कि अगर उन बच्चों के साथ कक्षा पीरियड में कोई घटना दुर्घटना होती है तो सर जवाबदेही तो आप लोगों को देनी पड़ जाएगी, है ना? ये शौचालय सर, इधर बालक का इधर बालिका का, बड़ी गंदगी है सर, आते नहीं है क्या सफाई कर्मी यहाँ? आते हैं सर, हफ्ते में एक बार आते हैं। अच्छा, तो हफ्ते में केवल एक बार आते हैं सफाई कर्मी जी। अच्छा, जो आप यहाँ के सहायक अध्यापक हैं जी जी, शुभ नाम क्या है? अखिलेश कुमार। जो हेडमास्टर साहब हैं वो कहाँ हैं? ट्रेनिंग पे हैं सर। अच्छा जी, जयसिंहपुर में होंगे? जी जयसिंहपुर में। चलिए, तो जो हेडमास्टर साहब हैं अभी वो है नहीं यहाँ से, वो ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, ऐसे में आप सर मिले हैं। और मैडम चार्ज पे हैं। अच्छा, मैडम चार्ज पर हैं, कहाँ है मैडम? अंदर है। आइए मैडम चार्ज पर, मैडम आप हैं? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, अंदर मैम चार्ज पर हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि जो हेडमास्टर साहब हैं वो हैं नहीं अभी इस समय, ट्रेनिंग पर चले गए हैं। तो कैसी है मैम, आप ही चार्ज पर हैं? क्या नाम है आपका? पूनम वर्मा। मैम आप फोन पर बात कर रही थी, बच्चों के पढ़ाने का समय हो गया। सर लंच का समय है। नहीं, लंच का है। समय बताइए। 12:30। 12:30 नहीं हो रहा है? हाँ 5 मिनट ज़्यादा हो रहा है। मैम 5 मिनट बहुत थोड़ा बहुत, हाँ वो तो हो ही सकता, घर की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को कहाँ छोड़ दें। मैम थोड़ा विद्यालय हम देखने आए हैं, ये बताइए मैम यहाँ हमको सफाई नहीं दिख रही है, टाइल्स तो लगा है, टाइलीकरण हुआ है, हालांकि आज आप प्रभार पर हैं तो मैं क्या सवाल ज़्यादा आपसे करूं, फिलहाल सफाई कर्मी नहीं आते हैं। तो आप विद्यालय की अध्यापिका हैं, प्रभारी भी आप हैं, आज आज के लिए है ना सर? आज के लिए है, तो आज ही मैं सवाल भी आपसे पूछ रहा हूं, क्या सफाई कर्मी आज नहीं आए थे? नहीं आज नहीं आए। कितने सप्ताह में कितने दिन आते? सर अभी कल ही आए थे। लेकिन मैम साफ नहीं हुआ सर, बच्चे तो रोज ही चल रहे हैं ना, दिन भर तो चल रहे हैं, कल भी चले आज भी चले हैं, वॉशरूम भी नहीं साफ है सब। मैम देखिए जरूर, एक मेरी बात बुरी मत मानिएगा आप लोग, देखिए जरूरी नहीं है कि प्रधानाचार्य हो वही कहें तो ही हो, आप अध्यापक हैं, आप लोग भी चाहेंगे तो तभी व्यवस्थाएं बनेंगी, है ना? तो अध्यापक हैं हम लोग, तो इतना हम लोगों का अथॉरिटी थोड़ी है। नहीं अथॉरिटी नहीं, लेकिन आप मैम टोका टाकी तो कर ही सकती हैं। कह सकते हैं, अब कल साफ करके गई हैं। चलिए, खाने में क्या क्या बना था? आज सब्जी चावल है। मेनू में क्या है? सब्जी चावल। कक्षाओं में देख सकते हैं मैम? कैसे हैं बेटा आप लोग, किन क्लास में पढ़ते हैं, क्या नाम है बेटा? जुनेद। क्या नाम है? जुनेद। किस क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है? बोलो नाम अपने हिसाब से बताओ। अंकित। अच्छा सक्षम किसका नाम? सक्षम हो? सक्षम कहाँ बाहर गए? सक्षम हो? सक्षम कहाँ बाहर गए? कोई नाम नहीं बताएगा।
उस बिटिया का क्या नाम? नहीं वो इनरोल नहीं है, आती है नहीं, नहीं वो नहीं इनरोल। किनारे वाले लड़की का क्या नाम है? सबसे किनारे वाले का किसका? जो एकदम किनारे बैठा है अभी, इस नाम इधर किनारे अभी से है ना, क्या नाम है बेटा? समित। वो इनरोल नहीं, वो नहीं इनरोल। तो ज़्यादातर बच्चे इनरोल क्यों नहीं है सर? देखिए किसी बच्चे के साथ कोई आ जाता है तो उसको भगाएंगे थोड़ी अब। अच्छा सभी बच्चे वैसे? हाँ हाँ, तो वही है जानते हैं। वो बिटिया इनरोल है कि नहीं? नहीं नहीं वो भी नहीं है? नहीं। तो मतलब जितने बच्चे बैठे मैक्सिमम इनरोल नहीं है? मैक्सिमम नहीं, तीन चार है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लिखा गया? जरा उनको खड़ा कराइए, बच्चों को दिखाइएगा जरा। हाँ जी जी, अच्छा सही लोग इनरोल। अच्छा आप सुधारेंगे चीज़ों को, मैं आज सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे भी पता है आप पढ़ लिख कर आए हैं, आप जो है ऐसा नहीं कमज़ोर हैं, आप लोग पढ़ लिख कर आए मैं भी जानता हूँ, लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है। अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मुझे पता है कि अगर विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं है तो प्रधानाचार्य आप नहीं बनवाएंगे, सवाल मैं आपसे पूछूंगा, चीज़ें शासन तक पहुँचेंगी और वो लोग बनवाने का काम करेंगे, है ना? तो सवाल पूछना भी जायज है। क्वेश्चन हमारी तरफ से ये, मतलब जैसे आप लोग विद्यालय में जाते हैं ये कहाँ से अथॉरिटी मिलती है आप लोगों को? मतलब जैसे आप लोग विद्यालय में जाते हैं ये कहाँ से अथॉरिटी मिलती है आप लोगों को? केवल अथॉरिटी वहीं लगती है जहाँ निर्वाचन आयोग होता है। अच्छा। बाकी विद्यालय के लिए या अस्पताल के लिए ऐसी नहीं लीजिएगा। नहीं यार आप सही है, आप जानकारी लेना चाहें सर, अथॉरिटी हम लोग के लिए कोई नहीं होती है। अथॉरिटी वहीं होती है जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, या फिर जो है कहीं निर्वाचन आयोग के लिए कोई बात हुई तो वह हम लोग का एक एक्स्ट्रा पास बनाया जाता है, बाकी हम लोग को किसी की अथॉरिटी जरूरत नहीं होती। अब ये नहीं कि हम कोई आकर आप लोगों को पूरा डिस्टर्ब करे, तो हम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे ना। तो ये चीज़ें थी, हालांकि बहुत सही सवाल सर ने पूछा, हालांकि सवाल पूछना हम लोगों का काम है, लेकिन सर ने भी बढ़िया किया सवाल पूछ लिया। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती, पूछते हैं अपना पास दिखाइए, आपको किसने भेज दिया है? जी सही सवाल। आइए सर इस क्लास में देख लेते हैं जरा बच्चों को, इनको मैम आप पढ़ाती हैं, आ जाइए आप। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए मैम आप पढ़ाते हैं। चार के शिष्टाचार का अभाव है बच्चों में, हो गया सर बच्चे अब नहीं। मैं नहीं, देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए खड़े हो, ऐसे आपके अधिकारी भी आएंगे तो बच्चों को अगर ये हाव भाव दिखे ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानती हैं सर, है ना? थोड़ा सा शिष्टाचार पर भी ध्यान दिया जाए बच्चों को जी। और देखिए बच्चा क्या कर रहा है दिखाइएगा, अनुशासन नहीं है विद्यालय में एकदम। अनुशासन सर अब है, बच्चे खेलने का टाइम पे खेल रहे थे, अब आके तुरंत ही बैठ गए हैं। एक अनुशासन जो होता है ना खेलने के टाइम पर भी अनुशासन दिखता है। और दिखाइए आप करीब, थोड़ा सा आ जाइए, खड़े हो जाओ बेटा। इनरोल है बच्चा कि नहीं? हाँ। कपड़े देख रहे हैं मैं? हाँ देख रहे हैं। ड्रेस नहीं मिला इनको? नहीं अब ड्रेस मिला है। आप लोगों को पापा ने कपड़ा खरीदा कि नहीं? ड्रेस आप खरीदे रहे, पहन के क्यों नहीं आते हो? हेरा गया। पापा ने कपड़ा खरीदा कि नहीं? ड्रेस आप खरीदे रहे, पहन के क्यों नहीं आते हो? हेरा गया। ड्रेस वो हेराई गए। वाह, क्या नाम है? असद। मैडम का क्या नाम है जो पढ़ाती हैं आपको? मैडम का नाम पता है? पूनम। अच्छा ये बताओ हिंदी कौन पढ़ाता है? हिंदी, हिंदी विषय जानते हो? कौन पढ़ाता है बेटा? मैडम। थोड़ा सा मैम बच्चों का अभी बौद्धिक स्तर कम है, मैं इसलिए मैं सवाल मेरे पास और थे, मैं भी सर बीएड किया हूँ, मैं भी एमएड किया हूँ, मैं भी खूब जानता हूँ बखूबी की कौशल क्या होता है पढ़ाने लिखाने का, है ना? तो थोड़ा सा देखिए गांव से है बच्चे, मुझे पता है आप घोल कर नहीं पिलाएंगे, है ना? लेकिन फिर भी हमको आपको प्रयास करना। मैं आपको बताऊं कुछ विद्यालय में ऐसे गया जहां पर मुझे दिखा कि टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आप लोग भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कह रहा आप लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें अभी थोड़ा नहीं दिख रही हैं। थोड़ा देखिएगा इसको, ये था गौहनिया में प्राथमिक विद्यालय, और अभी देखिए बच्चे सर खेल रहे हैं। अब कैसे ना मैं सवाल करूँगा, बताइए मैम? नहीं है सर, लंच के बाद आधा घंटा खेल ना समय मैम। देखिए आप मैम 12:30 तक लंच होता है, हाँ सैटरडे पे क्या होता? बच्चों के अब बाल संसद के अंतर्गत थोड़ा आधा घंटा खेलने के लिए, फिर आधा घंटा मतलब सेकंड फर्स्ट पीरियड लंच के बाद, उसके बाद सेकंड टाइम पे जो है थोड़ा आर्ट खेलने के, चित्र बनाने का ये सब है, फिर उसके बाद कविता विता बोलने और उसके लिए उसके बाद मैम बच्चे बाहर से, देखिए मेरी बात बुरा मत मानिए, मैं सवाल पूछना जायज है, बच्चे बाहर से आ रहे हैं
और आपके सामने कैमरे में दिखा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग है, बच्चे सामने खेल रहे हैं। ये मैम ना तो संसद का संवाद कर रहे हैं, ना कला बना रहे हैं। ठीक है सर, पहला अभी लंच के बाद पहला ये खेलने का है, उसके बाद कला का है। ये कह रहे हैं ना मैम, समय के साथ अनुशासन बनाना भी जरूरी है। जी चलिए ठीक है। और यहाँ के टीचर से बातचीत किए, हालांकि यहाँ के टीचर्स का व्यवहार बहुत बेहतर रहा, हालांकि कुछ सवाल जरूर पूछे गए, लेकिन सवाल पूछना जायज है। कई सारे टीचर्स को इन सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, हमें अथॉरिटी कौन देता है। से आपको मिला होगा कि आप जाके चेक करिए, वो परमिशन कहाँ है। नहीं, मैं कुछ नहीं मिलता, ऐसा तो नहीं होता सर। किस अधिकारी से बात कर रहा हूँ? हमें क्या सर, आपको परमिशन दिखाई ना, हमको बात ही नहीं करनी। आपको परमिशन दिखाई ना, हमको बात ही नहीं करनी। आपको परमिशन दिखाई ना, हमको बात ही नहीं करनी। परमिशन तो दिखाइए कि आप कोई परमिशन करने के लिए आए हैं। कोई परमिशन नहीं होता मैम, चीजों को दिखाने के लिए। आपके गांव में भ्रष्टाचार होता है, अगर मैं आपके भ्रष्टाचार को दिखाने जाऊं तो क्या मैं परमिशन लेकर जाऊं? अगर आपके एक मिनट मैम, और एक स्कूल में विद्यालय गांव में नहीं है मैम, विद्यालय गांव में नहीं है, गांव में तो है ही। मैम ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती, ना ऐसा कोई परमिशन लेटर होता है। अगर कोई गलत काम हो रहा है, अगर हम आपको पहले बता के जाएंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि आप गलत कर रही हैं? बात समझिए आप हमारी, वो तो है ना। इसलिए हम आपको बता आते तो क्या आपको फोन करके आते मैम आज आपके विद्यालय, तब तो सब बढ़िया हो जाता, सब बढ़िया हो जाता तब तो मैम, है ना जी। मैम ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, जब अथॉरिटी होती है तो सूचना कार्यालय से हम लोग का एक अलग से प्रेस कार्ड जारी होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र में जब होता है, जैसे चुनाव चल रहा होता है उसमें, या कोई विशेष व्यक्ति आता है, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। ठीक है, मैम का सवाल पूछना भी जायज है कि तमाम ऐसे सवालात होते हैं जब हम लोग जाते हैं। जी जैसे भाई कोई आ रहा है तो उसका भी कोई भाई कोई भी ऐसे आके चेक करेगा? नहीं मैम, मैं आपको क्या दिखाऊं? आपकी बात नहीं कर, बात हम इसीलिए मैम, आप आईडी कार्ड मांग सकती हैं, मैं आईडी कार्ड दूंगा आपको, क्या दिखाऊं मैं? जी सर को दिखाए कि बिल्कुल दिखा देते हैं आपको सर, आप हाथ में लेकर देखो, पढ़ सकते हैं, करिए। अनुशासन नहीं है, तीन बच्चे विद्यालय के बाहर जा रहे हैं, अगर उनको कोई घटना दुर्घटना होती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। सर गेट बंद रहता है, कैसे बच्चे गए? मैं फोटो दिखा सकता हूँ, मैं फोटो दिखा सकता हूँ, मैं फोटो दिखा सकता हूँ मैम, बच्चे बाहर जा रहे थे। गेट बंद था कि नहीं आप आए थे? नहीं गेट बंद था, लेकिन बच्चे बाहर कैसे गए? अब खुला तो चले ही गए, तीन बच्चे सर आए कि नहीं? तीन बच्चे बाहर गए थे, सवाल वो भी बनता है, अगर हम बहाने बनाए सर वो तो है ना, गलत बात है। ठीक है बच्चे आए, हम तो खुद ही माने बच्चे, पाँच मिनट मैम, एक मिनट आप लेट होंगी आप सस्पेंड हो जाएंगी जिस दिन आपका अधिकारी आएगा, और पाँच मिनट तक अगर इंटरवल में लेट होता है तो पाँच मिनट बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ये भी सवाल बनता है। कितने सवाल मैं आपसे पूछूं मैम? ठीक है सफाई कर्मी एक दिन आता है, यहाँ आप टीचर्स हैं, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं क्लास में गया, बच्चे अपना नाम तक नहीं बता पा रहे मैम। सर हम लोग कह सकते, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ सवालात भी प्रधानाध्यापक यहाँ के टीचर्स द्वारा किए गए कि आपको अथॉरिटी किसने दी, तो इनका सवाल भी जायज है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आईडी कार्ड चेक करना उनकी अथॉरिटी है, उनके क्षेत्र में आता है, और उन्होंने अगर मेरी आईडी चेक की है तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ के शिक्षक इतने एक्टिव हैं कि कम से कम लोगों से पूछताछ करने के बाद विद्यालय में घुसने देते हैं, लेकिन एक तरफ तीन बच्चे विद्यालय के बाहर जाते हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की कमी विद्यालय में जरूर दिखी, इस पर मुझे लगता है कि सवाल जरूर होना चाहिए और संबंधित अधिकारी इस पर जरूर संज्ञान ले। प्राथमिक विद्यालय हर प्राथमिक विद्यालय की एक कंडीशन है, 1800 ग्रेड पे से लेकर 5400 के ग्रेड पे तक का सब यही चेक करने आते हैं, और भी विभाग है, इस चीज मुद्दे को आप उठाइए, और विभाग और किसी को नहीं दिखता, बस दिखता प्राथमिक विद्यालय। यहाँ 1800 ग्रेड पे से लेके 5400 ग्रेड पे तक कोई भी आता है मुंह उठा के और देखता है, 1800 ग्रेड पे से लेके 5400 ग्रेड पे तक कोई भी आता है मुंह उठा के और देखता है, 1800 ग्रेड पे से लेके 5400 ग्रेड पे तक कोई भी आता है मुंह उठा के और देखता क्या है। निरीक्षण दो तरह का होता है, एक होता है आलोचनात्मक, एक होता है समालोचनात्मक। तो लोग क्या करते हैं, समालोचनात्मक निरीक्षण नहीं करते, आलोचनात्मक निरीक्षण करते हैं कि मतलब खाली कमियां खोजो। समालोचनात्मक देखिए सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी जानता हूँ आलोचनात्मक समालोचनात्मक क्या है। एक समालोचनात्मक चीजें अपने विद्यालय में आप दिखाइए, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या बताइए, आप बताइए क्या दिखाइए? एक दो चीजें समालोचनात्मक ऐसी दिखाइए जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गुडविल दिखाऊँ अपने टीचर्स का, मैं गुडविल दिखाऊँ, वो गुडविल मैं दिखाना चाहता हूँ, और कुछ ऐसा हो तो हमको दिखा दीजिए। क्या नहीं, आपके यहाँ जो मैं नहीं जानता, आपके यहाँ आप कह रहे हैं ना समालोचनात्मक, आप बात नहीं समझे सर। हाँ हाँ जी, आपको नहीं कहे, हमने कहा नहीं, हमारी बात पे ध्यान दीजिए। मैं आपको समझ गया, मैं आप पूरी बात समझ गया, अगर कुछ इस विद्यालय में अच्छा है तो हमको दिखाइए, हम और लोगों को दिखाएं और लोग आपको देखें, है कुछ क्या?
बताइए क्या दिखाएं बताओ, जो आपके पास अच्छा हो। अच्छा अगर कुछ इस विद्यालय में अच्छा है तो हमको दिखाइए, हम और लोगों को दिखाएं और लोग आपको देखें, है कुछ क्या बताइए क्या दिखाएं बताओ, जो आपके पास अच्छा हो। अच्छा बच्चों पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, फिलहाल हम इस समय मौजूद थे जयसिंहपुर शिक्षा क्षेत्र में और ये प्राथमिक विद्यालय गौहनिया है।